Hello and very good morning to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor and Head of the Department of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Haldia, Madhya Pradesh. Dear student, एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ एक नई वीडियो जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपकी जो BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स की जो सिलेबस है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी की एग्जाम हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट यू शुड हैव द क्लियर कांसेप्ट अबाउट सिलेबस। यदि आपका सिलेबस आपको क्लियर कांसेप्ट नहीं होगा तो आप अच्छे तरह से उसमें अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो फर्स्ट यू शुड हैव द क्लियर कांसेप्ट अबाउट योर सिलेबस। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बनाया हूं और एक मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, एक रिवीजन जब आपके एग्जाम, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्दी अब होने वाले हैं, मार्च एंडिंग या कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसके पहले अभी कोरोना के टाइम में आप लोगों के एग्जाम ओपन बुक पद्धति से हुआ, तो आप लोग ऐसे इस बैच से हैं जिसमें आपको मतलब क्लियर आइडिया नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, क्योंकि ओपन बुक में एक दो क्वेश्चन सिंपल बना दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से और वो किया गया था। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो पेपर होते हैं वो कैसे होंगे, जो कि अब ऑफलाइन एग्जाम क्योंकि शुरुआत हो चुकी है ना, तो इसमें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे मतलब उसका आंसर आपको देना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स की, ये सारी चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसके पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कुछ यहाँ कमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स की इस तरह से जो कमेंट्स आते हैं उससे मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ। लेकिन मैं अपना ये जो वीडियो इसलिए डाल नहीं पाया क्योंकि अभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन वर्क्स होने के चलते जो है मैं टाइम नहीं निकाल पाया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और आशा दिलाता हूं आप लोगों की कि आई विल प्रोवाइड यू कंस्टेंटली, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा स्टडी मटेरियल आपके सिलेबस के अनुसार, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहां सबसे पहले एक कमेंट है, मैं इसको बताना चाहूंगा, वैशाली जी ये थैंक्स लिखती हैं, तो थैंक्स बेटा आपको भी। और आयशा खान लिख रहे हैं इसमें कि सर प्लीज अपलोड यूनिट ईदगाह, तो आयशा खान को बताना चाहूंगा बेटा जस्ट गो टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश प्रस्ते, क्योंकि रिसेंटली आई हैव अपलोडेड ईदगाह स्टोरी ईदगाह विच इज written by प्रेमचंद एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया किसके द्वारा, खुशवंत सिंह के द्वारा, ओके okay? तो उसमें आप पा जाएंगे। और अभिषेक राय जी लिखते हैं सर वन वीडियो फॉर हाउ टू पास इन इंग्लिश इन बीकॉम सेकेंड ईयर, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं अभिषेक राय जी कि सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर में इंग्लिश में कैसे पास किया बेटा। सबसे पहले मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, सबसे पहला चीज इंग्लिश इज जस्ट लाइक योर हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज, ओके। क्योंकि हाँ यस ऑफकोर्स की इंग्लिश में आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन है, आइदर यू आर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमर्स आर साइंस आर आर्ट्स, इट डजेंट मैटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव द गुड कमांड ओवर ऑफ योर योर लैंग्वेज स्किल्स लाइक हिंदी आर इंग्लिश आर संस्कृत आर एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वही आपके बेसिक होते हैं, इसलिए इसको फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है। क्योंकि जब आप कोई इंटरव्यू अपीयर करेंगे, बड़े एग्जाम फाइट करेंगे, IAS, PSC किसी भी तरह के एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो यदि आपका इंग्लिश अच्छा है, अच्छे तरह से आप यदि आप अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिफाई होने की, सिलेक्शन होने की चांसेस 101% गुना बढ़ जाता है। इसका मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि इंग्लिश की बदौलत ही आज मेरा यह दूसरा गवर्नमेंट जॉब है। इसके पहले राजभाषा विभाग में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में गुजरात में था मैं, अहमदाबाद में, और अभी मैं हरदा में इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, ओके। तो आपको एक विल पावर होनी चाहिए, मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके। तो कोई भी वो नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं इंग्लिश से रिगार्डिंग वो क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे, जस्ट एक समोसा की तरह बैठे इंग्लिश, SHMO सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है, हमारे हाथों में है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ओके। IUV दे प्लूरल नंबर, HE इट सिंगुलर नंबर, और हेल्पिंग वर्ब MER वाज वेयर जो भी है, ओके। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट बस यही है, बस जस्ट यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्टार्ट टू स्पीक, ओके, आपकी स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं इसको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके वीडियो बनाऊंगा ताकि सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि ऐसे भी कंप्लेन आते हैं कि सर आप इंग्लिश में बनाते हो तो हमको समझ में नहीं आता है हिंदी वालों को, तो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, क्योंकि सम स्टूडेंट्स लर्न वेरी फास्ट, सम स्टूडेंट्स लर्न कैसे सीखते हैं, कुछ बच्चे धीमे से सीखते हैं ना। तो अभिषेक राय जी डोंट वरी, बिलीव योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ओके। आप रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हैं, और शुभम सोलंकी बड़े लंबे इसमें
कमेंट कर रहे हैं, अच्छे कमेंट आया इनका। यू आर ग्रेट सर, प्लीज चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करते रहिएगा। आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल एंड यू कैन थिंक डिपेंड ऑन यू फॉर लिटरेचर स्टडी, योर एक्सपीरियंस इज वेरी बेस्ट। प्लीज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर नॉलेज विथ अस। थैंक यू फॉर बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक्स टू यू शुभम सोलंकी जी कि आपने इतने अच्छे कमेंट किया है। मैं डेफिनेटली आपकी लिटरेचर के लिए आई विल प्रोवाइड यू ऑल द स्टडी मटेरियल्स ऑफ योर बी ए बी एस सी बीकॉम सॉरी बी ए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो जितने भी लिटरेचर के हैं वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल ऑफ योर एम ए इंग्लिश ऑल्सो और आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। बस मुझे यही आपको कहना है कि मैं सारी चीज़ जो है अब कंसिस्टेंटली जो है मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके वंस अगेन मैं लौट के आ गया हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब में प्रताप जी लिखते हैं, प्रताप बर्डे जी वेरी नाइस सर। दीपिका लिखते हैं वाओ वेरी एक्सपीरियंस। पूजा सिंह लिखते हैं सर प्लीज अपलोड ऑल यूनिट्स वीडियो। बिल्कुल बेटा डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू ऑल द स्टडी मटेरियल्स। ओके डोंट वरी, आप चेक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे आगे कुछ डालने का, आगे मतलब यूट्यूब में अपनी वीडियो अपलोड करने का मुझे एक तरह से अंदर से मैं भी मोटिवेटेड होता हूँ, ठीक है। मैं भी इस फैकल्टी भी प्रोफेसर भी टीचर भी एक स्टूडेंट ही होता है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर योर गुड एक्सप्लेनेशन बोलते हैं सुजाल चौहान जी। पूजा हिरवाल जी लिखते हैं थैंक यू सर। रोहित प्रजापति लिखते हैं थैंक यू सर। प्रियंका तनवर जी लिखते हैं व्हाई यू क्रिएटेड टू लॉन्ग वीडियो, यू कैन एक्सप्लेन इन शॉर्ट टू। सॉरी, क्योंकि देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि मतलब एक चटनी होता है ना, चटनी की तरह वो सीख नहीं पाते हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए रहता है, इसलिए वीडियो कभी लंबे हो जाते हैं। और दूसरी चीज, हम जो है प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर की हैबिट होती है कि उनको एक एक घंटे पढ़ाने की हैबिट होती है कोई एक टॉपिक में, तो उसको हम एक तरह से चटनी में पढ़ाएं तो हमको हमारा मन नहीं भरता है ना, इसलिए हम ध्यान देते हैं। क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेसर, तो हमारा जो प्रोफेसर का वो हैबिट होता है वो थोड़ा सा डिटेल में किसी भी टॉपिक में बताने समझाने का होता है। यदि ज्यादा लॉन्ग होगा बेटा तो आप उसको जस्ट यू हैव टू स्किप सम पार्ट्स और जो मेन पार्ट्स है उसको आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। हर चीज की समस्या का समाधान, समस्या है तो समाधान भी है बेटा, डोंट वरी। ओके सुनैना लिखते हैं थैंक यू सर। सुभांशी जी लिखते हैं सर और वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप। बेटा डेफिनेटली बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। यू आर टू फास्ट सर, प्लीज टीच स्लोली। पूजा काल में लिखते हैं आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर। बेटा हैबिचुअल कभी वो हो जाता है ना, तो मैं जस्ट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्टाइल। मैं स्लोली स्लोली पढ़ाने की कोशिश करूंगा, स्लोली पढ़ाने से फिर थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराऊँ। विकास नंदा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर, सभी यूनिट की वीडियो बना दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा, आप देखते रहिएगा। आशीष ठाकुर जी लिखते हैं वेरी नाइस सर। डॉक्टर रमेश वाटे सर, ये मेरे तो गुरु हैं, अभी वर्तमान में सर आप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं शासकीय महाविद्यालय जयतहरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में। सर आपको प्रणाम मेरा। और सुदामा बैसारे जी लिखते हैं थैंक्स सर। मोहित जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर। तो ये रहे कुछ कमेंट्स जो कि आए थे। ये बीए सेकेंड ईयर की एक मैंने पोयम डाला था ट्री, टीना मोरिस के द्वारा लिखा गया, जो कि 11,000 से ऊपर इसमें व्यू जाए और इसमें बहुत ही अच्छा आप लोगों को कमेंट्स आया और इसी तरह अपना एक तरह से केयर सपोर्ट एंड लव मुझे प्रोवाइड करते रहिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। और अब चर्चा करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज जो सिलेबस है इसके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले क्लियर कंसेप्ट कीजिए कि इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है। इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑफ इंग्लिश डेफिनेटली यू कैन अचीव इन योर टारगेट इन योर लाइफ, है ना। अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को अचीव करना है तो इंग्लिश सीखिए, खास करके यदि मैं कैरियर के बारे में बात करूँ तो, क्योंकि मैं कैरियर गाइडेंस का प्रभारी भी हूँ कॉलेज में, तो मैं कैरियर से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके तो यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी यदि कैरियर से संबंधित समस्या है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके तो ये है आपका सिलेबस जो कि 35 मार्क्स का होगा, ध्यान दीजिए, जिसमें 5 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ध्यान रखिए इंटरनल असेसमेंट क्या होती है, जो आंतरिक मूल्यांकन CCE होती है, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन, जो कि 5 नंबर का होता है। वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड CCE एग्जामिनेशन इन आवर कॉलेज इन दिस सेशन, जो कि 5 नंबर का होता है। आप लोग भी अपने अपने कॉलेज में CCE की फाइल जमा कर चुके होंगे। 30 नंबर का जो थ्योरी पार्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 30 नंबर कैसे हमको प्राप्त करना है। यदि हम यूनिट फर्स्ट करेंगे तो यूनिट फर्स्ट 10 नंबर का होता है,
नंबर का आपका सीसी, 15 नंबर तो आप पास, लेकिन आपको पास ऐसे नहीं होना है। पास तो क्या 23 सीरीज उठाओगे एक रात में पढ़ोगे पास हो जाओगे, ऐसे नहीं। आप सीखें, अमल करें कि इस लेसन से, इस पार्टिकुलर लेसन से आपने क्या सीखा। जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा, आप आगे आगे चल करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको डीप नॉलेज हर सब्जेक्ट की आपको होना चाहिए। आइदर यू आर स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, आपको जब तक आपका लैंग्वेज पार्ट फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मान लीजिए कि आप साइंस में बिल्कुल टैलेंटेड हैं, मैथ में टैलेंटेड हैं, बोलेंगे तो ना, बोलना किसके माध्यम से, मुंह से बोलेंगे, मुंह से क्या शब्द निकलती है, हिंदी आती है तो हिंदी निकलेगी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश निकलेगी, है ना। तो ये आपकी क्या होगी, एक तरह से कम्युनिकेशन का वे होता है, यानी जिसे हम कहते हैं एक तरह से मीडियम ऑफ योर मीडियम ऑफ योर मैसेज, योर थॉट्स, योर इमोशंस का एक वो मीडियम, माध्यम है थ्रू विच यू कैन कन्वे योर मैसेज टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो यही एक फाउंडेशन कोर्स है। तो आपका जो सिलेबस है, 30 नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, 5 तो आपका सीसी होगा, और ये 35 नंबर का टोटल जो प्राइवेट वालों का होता है, क्योंकि उनका सीसी नहीं होता, इसलिए टोटल 35 का होगा। अब यूनिट आपका जो सिलेबस है, योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन यूनिट्स। फिर टाइम हो रहा है, मैं जल्दी बता रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपका पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, जिसमें आपके राइटर का नाम, आपके लेसन का नाम पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछ दिया जाएगा हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्री, तो क्या आंसर लिखेंगे आप लोग, टीना मोरिज। ऑप्शन आपको यू विल हैव 4 ऑप्शन, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने लिखा, डीसी मेजिकल ने लिखा। ईदगाह किसने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने दिया, खुशवंत सिंह। लास्ट इसमें 2019-20 की क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज ट्रांसलेटेड ईदगाह इन टू इंग्लिश वर्जन। कई स्टूडेंट ने गलती से कहा ईदगाह तो प्रेमचंद ने कहा, जल्दी से लिख के आ गया, फिर बाद में कहते सर मैंने सही लिखा, नंबर 0 आया। भाई समझो, सब ऑल ऑफ द वेरी फर्स्ट यू शुड हैव, आपको क्या क्या करना चाहिए कि क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, समझना चाहिए उसको बारीकी से कि भाई वो मेन लेखक नहीं पूछा, बल्कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया ये पूछा है, किसने किया है, खुशवंत सिंह। जिस स्टूडेंट ने खुशवंत सिंह लिखा उसका आंसर करेक्ट रहा। इस तरह से ये तीनों जो लेसन है इनको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। जो अब नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, ए लेटर टू गॉड, लेंचो के बारे में है। एक किसान होता है जिसका पूरा फसल जो है, किसान क्योंकि किस पे डिपेंड करते हैं, अपने खेती पे डिपेंड करते हैं, तो उसका पूरा फसल जो है नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड, ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि से। तो उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है, उनकी बीवी और बच्चे हैं, तो उनके पालन पोषण के लिए भी उनके पास खाना खिलाने का, उसके हैंडफुल ऑफ ग्रेन नहीं उनके पास। तो वो उन्होंने ही थॉट दैट कि इस सिचुएशन में कौन मुझे हेल्प कर सकता है, तो ही थॉट दैट ओनली गॉड कैन हेल्प मी, ईश्वर सिर्फ मेरी मदद कर सकता है, ये करके उन्होंने ही राइट अ लेटर टू गॉड, है ना, वो ईश्वर को पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड और उसको गॉड के एड्रेस में भेज देता है। सोचो आपको मुसीबत पड़ता है तो आप ईश्वर के नाम पता लिखते हैं, तो लेटर लिखते हैं, भाई देयर इज नो एनी एड्रेस ऑफ गॉड। लेकिन लेंचो ने इस स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखता है कि हे प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरे पूरे फसल जो है नष्ट हो चुके हैं, मुझे 100 पेसेस दीजिए, 50 पेसेस का मैं इस, अभी हम फिलहाल खाना पीना खाएंगे और 50 पेसेस का हम नेक्स्ट ईयर का जब फसल आएगा तब तक के लिए हो जाएगा, ये करके लिखता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको बताऊंगा तो आप इसको देखेगा। जीएल सांटे के द्वारा लिखा गया है, ट्रांसलेशन डोनाल्ड यीट्स ने किया है। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, लियो टॉल्स्टॉय जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक राइटर हैं, इन्होंने लिखा है गॉड सेज द ट्रूथ। एक बिजनेस मैन के बारे में है, बिजनेस करने के लिए जाता है, तो उसी रात उनकी मिसेज एक सपना देखती है कि जब आप बिजनेस करके लौट रहे होते हैं तो आपके बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे मैंने सपना देखा है, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, तो कृपया करके ना जाए। वो कहता है अरे कौन से सपने, सपने होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये। तो आगे जब चलता है, जहाज में जब जाता है तो वो मर्डर के केस में फंस जाता है, फिर जेल चला जाता है। तो यही सारी चीजें, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रखे गए हैं आपके सेकंड ईयर में, तो मैं पूरा वीडियो इनका मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी फिलहाल बहरहाल आपको क्या याद रखना है, सभी लेसन के नाम याद रखना है और इनके राइटर का नाम याद रखना है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 नंबर के आएंगे, ठीक है, 6 आएंगे जिसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स का, ठीक है। और यहीं से आपके 6 क्वेश्चन, हर यूनिट से 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 आंसर टाइप, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 आउट ऑफ 6। कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के, मैं बता रहा हूँ आगे।
तो ये रही यूनिट फर्स्ट, और यूनिट सेकंड से लेकर यूनिट फाइव ये आपके पूरे ग्रामर कोर्स रहेंगे। ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जड़ होती है ग्रामर कोर्स। इफ यू टॉक अबाउट हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा की बात करें तो उसकी ग्रामर कोर्स मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो ग्रामर कोर्स क्योंकि जड़ होती है, यदि ग्रामर कोर्स आपका, इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑफ ग्रामर कोर्स, डेफिनेटली यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें क्या पूछे जाते हैं, ग्रामर कोर्स ही आते हैं। जैसे करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, है ना, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, डू एज डायरेक्टेड, सुने हैं ना आप लोग, डू मतलब क्या होता है, करो, एज मीन्स जैसे, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया गया है, ये सारी चीज। तो इफ यू टॉक अबाउट बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, सो देयर आर फोर बेसिक स्किल्स इन इंग्लिश, लिसनिंग, एल एस आर डब्ल्यू, एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग। ये एक गाड़ी के चार पहिए हैं, चारों पहिए को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डेफिनेटली यू आर गुड इन लिसनिंग, मैं व्हाट एवर आई एम टॉकिंग विथ यू, यू कैन लिसन वेरी वेल, आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी राइटिंग मेरे से बेटर है। लेकिन स्टूडेंट में एक कमी होती है, स्पीकिंग पावर। तो लेकिन वो टायर यदि आपकी पहिए चलेगी नहीं तो आपकी कार चलेगी, नो इट इज इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई यू शुड हैव टू, यू शुड इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग कोई हुआ नहीं, जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली, ओके। तो आप इस नाउन, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, टेंस, प्रोवर्ब्स, प्रेजल वर्ब्स, आइडियम्स, जो मुहावरे, लोकोक्तियां होती हैं, प्रपोजिशंस, एट, इन, ऑन का प्रयोग, ये सारी चीज रहते हैं। तो सिंपल ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल क्या होती है, यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में मैं अपना वीडियो यूट्यूब में आप सर्च किए उसमें पूरा डिटेल में पाएंगे। और आर्टिकल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर ग्रामर कोर्स, आपके ग्रामर कोर्स का आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ए एन और दा का प्रयोग, ठीक है। पूछ दिया जाएगा दिस दिस दिस, गंगा इज अ होली रिवर, ओके, गंगा कैसी नदी है, पवित्र नदी। गंगा के पहले क्या लगाएंगे, द, क्योंकि गंगा क्या है, नेम ऑफ द रिवर, ओके। हाँ ये भी हो सकता है, गंगा किसी के नाम भी होता है ना, गंगाराम, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने आर्टिकल नहीं लगता है, जरूर उसके पद के नाम के सामने रहेगा लेकिन उसके नाम के सामने नहीं रहता है। ये सारी चीजें हैं, मैंने आर्टिकल के बारे में डिटेल में डाला है, इसको आप ग्रुप में देख लीजिए। इस तरह से यूनिट थर्ड में रहेगा शॉर्ट एसे ऑन गिवन टॉपिक्स, थ्री टॉपिक्स दिए रहेंगे। आपने ऑलरेडी 11th 12th में लिखे होंगे ना, वंडर ऑफ साइंस के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, सेम ऐसे ही यहाँ पूछे जाएंगे। मान लीजिए पूछ दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसके बारे में लिखो, भारत में बेरोजगारी की समस्या, इंग्लिश में लिखना है ना, और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखे, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज अ लिंक लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू गो टू फॉरेन कंट्री, वहाँ यदि जाएंगे एंड दे आर, इफ यू आर स्पीकिंग हिंदी, सो दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी, नो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो एट दैट टाइम यू हैव टू रिक्वायर, किसको बोलने की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की, है ना। जस्ट सिंपल है, कोई टक नहीं है, जस्ट विल पावर होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। और वो नहीं बनेगा तो उसके अर्थ में करेस्पोंडेंस स्किल्स आएगा, पत्राचार, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स जो आप कॉलेज स्कूल्स में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर होता है, लेटर टू योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो लिखते हैं ना, किसके लिए लिखते हैं, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, कि लीव के लिए, कि मान लीजिए कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखते हैं, ये फॉर्मल कहलाएंगे। इनफॉर्मल क्या होते हैं, जो हम अपने यार दोस्त मित्र नज़दीकी फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा दोस्त ने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, आईएएस में टॉप कर लिया, कांग्रेचुलेशन लेटर लिखना है उसको। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ था कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द सक्सेस ऑफ देयर एग्जामिनेशन, है ना। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी लिखने की जो प्रोफार्मा होती है, जो फॉर्मेट होती है, बॉडीज होते हैं, हर किसी के एक पार्ट होता है, कितने कितने नंबर के रहते हैं, 6 नंबर का रहता है उसमें, ठीक है। तो वो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से, जब क्योंकि ग्रामर को बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ा जाता है, मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से रहेगा। यूनिट फोर्थ रहेगा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पैसेज, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन वन ऑफ माय बेस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन इंग्लिश, क्योंकि इसके पहले मैं राजभाषा विभाग में 6 साल तक रहा, ट्रांसलेशन का कार्य करता रहा, वहाँ राजभाषा कार्य का कार्य करता रहा, तो मुझे पता है कैसे इसमें ट्रांसलेट करना है। मैं इसको आपको आइडियाज बताऊंगा कि शब्द से ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, भावार्थ को किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश की संस्कृति अलग है, हिंदी की संस्कृति अलग है, हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, नहीं उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज मैं बताऊंगा, ये आपके 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आएगा। और लास्ट जो है आपकी रेज्यूम राइटिंग, जो सीवी राइटिंग होता है, बायोडाटा,
क्यों लिखवाया जा रहा है आपको? क्योंकि ऑलमोस्ट यू हैव कंप्लीटेड योर यूजी डिग्री। इसके बाद यूजी कंप्लीट होने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है? तो वहां आपको सीवी राइटिंग, बायोडाटा राइटिंग लिखने को पड़ेगा, तो इसलिए अभी आपको परफेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट यूजी पीजी कंप्लीट करने के बाद सही एप्लीकेशन इवन नहीं लिख पाते हैं, तो सीवी राइटिंग लिखना उनके लिए मुश्किल होता है ना? तो मैं अपना सीवी भी यहाँ शेयर कर सकता हूँ, उसमें आप देखेंगे आसानी से। उसमें कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, एंड यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th ऑनवर्ड से बताना पड़ता है, एज वेल एज यू हैव टू मेंशन अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर पेपर प्रेजेंटेशन इन नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स, पब्लिश्ड पेपर्स इन योर इंटरनेशनल रिफर्ड जर्नल्स, यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स। ये हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोगों के लिए जो फ्रेशर होंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और आपके एक्सपीरियंस ही मांगा जाएगा, ठीक है? डिक्लेरेशन रहेगा, ये सारी चीज हम बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूज और डोंट, कि रेज्यूम राइटिंग में क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में है, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। तो ये आपके सिलेबस में है, मैं रिवीजन करते समय इसको पूरे एक बार और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कैसे इसको रिवीजन करना है हर चैप्टर का डिटेल में। वो कम से कम 1 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, हम हैबिचुअल थोड़ा सा कोई भी टॉपिक को गहराई से बताना ज्यादा वो समझते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूब प्रोफेशनल यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेसर, है ना? तो यूट्यूबर में क्या रहता है कि यूट्यूब में जल्दी जल्दी फटाफट वो बनाते हैं, ये हमसे नहीं आता है। हमसे क्या होता है, कोई भी टॉपिक को हम गहराई से बताते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छे से उसको समझ सके। ओके, ये रही आपकी सिलेबस, और इसकी जो नंबर कैसे आते हैं, आई ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट, कि यूनिट फर्स्ट से एक बार फिर आप यूनिट फर्स्ट को देखिए। यूनिट फर्स्ट में आपके कितने लेसन हैं? 5 लेसन हैं। यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, हर लेसन का नाम याद रखिए, डायरेक्ट लेसन का पूछ दिया जाएगा और उनके राइटर का। तो 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 आउट ऑफ 6, 4 नंबर का हुआ। उसी यूनिट से 6 जो 6 आपके क्या रहेंगे, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3, 6 में से 3 करने हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो 3 होंगे, 2 2 नंबर के होंगे 6, तो 6 4 कितने हुए 10, 5 नंबर सीसी को हो गया, 15 पास हो गया। लेकिन ऐसे नहीं पास होना है, पास तो हर कोई हो जाते हैं, आपको एकदम से 35 में 35 लाना है, ठीक है? इसके बाद ये क्वेश्चन जो सेक्शन 3rd में रहेगा, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, ये 8 नंबर का होगा। डू एज डायरेक्टेड, डू मतलब करो, एज मतलब जैसे, डायरेक्ट निर्देश दिया गया है। मान लीजिए कि एक आप रहेगा, ही गोज टू कॉलेज, चेंज इन टू निगेटिव, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, है ना? ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सिटेबल आर्टिकल आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना? और 60 आंसर टाइप जो आपका फोर्थ लेसन है, सॉरी फोर्थ यूनिट है, वहां से ऐसे आएगा, 3 आएंगे, जिसमें आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। यदि वो नहीं बनेगा तो एप्लीकेशन लेटर राइटिंग में जाना, आई थिंक लेटर एप्लीकेशन आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इसके पहले आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ट्रांसलेशन रहेगा, अनुवाद रहेगा। यदि हिंदी में आएगा तो यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, बट यदि पैसेज आपका इंग्लिश में रहेगा तो उसको जस्ट यू हैव टू राइट इन टू हिंदी, यानी हिंदी में रहेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में आएगा तो हिंदी में लिखना है। और रेज्यूम राइटिंग पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे अथवा में रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके 30 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 5 मार्क्स का सीसी क्वेश्चन होगा। और इसके बारे में जब रिवीजन कराऊंगा आपके एग्जाम के जस्ट पहले, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए पूरे वीडियो डालना चाह रहा हूं, और जब रिवीजन करूंगा, एक तरह से मैराथन स्टडी रिवीजन उसको बोल सकते हैं हम लोग, तो आप उसमें उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, इसमें आप क्लियर कंसेप्ट कीजिए, तो पूरे सीक्वेंस से आप देखेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनके पास इस चीज को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस चीज से मतलब एक तरह से इससे लाभान्वित हो। और डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी, आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उन बच्चों के पास जो रिमोट एरियाज में रहते हैं। मैं इसलिए इस वीडियो को, यूट्यूब को मैंने स्टार्ट किया, ताकि बच्चे अधिक से अधिक इसमें सीख सकें, जान सकें और समझ सकें, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल यूज करते हुए बनाया है। एक टोटल एरिया मैं इंग्लिश में ही करूंगा, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके? दैट्स वाई इसको मिक्स करने की मैंने कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, बेनिफिशियल होगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और लास्ट में मैं भी यही चाहूंगा आप लोगों से कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले। मैं भी आप लोगों को समय निकाला तो आप लोग जस्ट एक क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हम आगे उसमें वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट विशेस।